Do you feel the pulse? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं यसदान और आप जैसे कि पढ़ रहे हैं HTML। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि किस तरह से हम एक्सटर्नल फॉन्ट को अपनी वेबसाइट के अंदर किसी भी पैराग्राफ या हेडिंग के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं यहां पे वेबसाइट न्यू क्रिएट करता हूं। मैं यहां पे लिखता हूं नोट पैड प्लस प्लस, इसको मैंने यहां पे ओपन किया। इसको मैं फ़ाइल को सेव कर लेता हूँ कंट्रोल एस से। डेस्कटॉप पर मैं सेव करता हूँ index.html के नाम से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे यही बेसिक जो है इसका सिंटैक्स है वो यहाँ पे मैंने सेव कर लिया और इसको मैं यहाँ पे रन कर लेता हूँ क्रोम में। इसका टाइटल क्या है डॉक्यूमेंट दे दिया हुआ है मैंने। नेक्स्ट हम यहाँ पे तीन तरह के हेडिंग्स लेंगे, मतलब तीन हेडिंग लेंगे। H1 हेडिंग ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ अ हेडिंग, कंट्रोल डी कर देंगे। और यहाँ मैं एक br टैग भी अप्लाई कर देता हूँ, br कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे। यहाँ पे आगे जब हम इसको रिफ्रेश करते हैं ब्राउज़र में तो हमारे सामने तीन हेडिंग्स आ चुकी हैं। यहाँ पे पहली हेडिंग क्या है, दिस इज़ अ हेडिंग, दूसरी क्या है, दिस इज़ अ हेडिंग, दिस इज़ अ हेडिंग। तो तीन हेडिंग है, मैं इन पर चाहता हूँ कि मैं कोई फॉन्ट साइज फॉन्ट अप्लाई करूँ। तो उसके लिए हम जो पहले हम इसमें करते थे वो इस तरह था कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जितने भी H1 टैग हैं उन पे कर दो फाउंट फैमिली, हम यूज़ करते थे टैग कि फाउंट फैमिलीज़ की कर दो वरदाना या ताहुमा या जो मर्जी हम करना चाहते थे हम कर लेते थे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं एक्सटर्नल फाउंट्स को यूज़ करूँ, मतलब कि मैं कोई नेट से फाउंट इंटरनेट से डाउनलोड करूँ और उस फाउंट को मैं यहाँ पर यूज़ करूँ। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, उसमें यहाँ पर एक वेबसाइट है dafont.com। यहाँ मैं इसको ओपन कर देता हूँ, यहाँ से हम जितने मर्ज़ी लोगों जो हैं इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये वाली चीज़ को मैं स्टाइलिंग को मैं ख़त्म कर देता हूँ कंट्रोल एस से सेव। ये देखिए ये हमारे सामने वेबसाइट अभी खुल चुकी है dafont.com। इसमें डिफरेंट फॉन्ट्स दिए गए हैं, कोई भी फॉन्ट जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर फंटेस्टिक रीज़न जो है ये वाला फॉन्ट डाउनलोड कर लेता हूँ। जी मैंने डाउनलोड के बटन पे क्लिक किया, ये जिप फाइल जो है इसकी डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पे शो इन फोल्डर करूँगा, इसको मैं डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ इस जिप फाइल को कंट्रोल वी, और यहीं पे मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लूँगा एक्सट्रैक्ट हियर। इसमें अब तीन फाइल्स आई हैं, दो तो इनकी वैसे ही हैं, एक टर्म ऑफ यूज़ की फ़ाइल है, एक फंटेस्टिक उनकी इमेज है, एक कोई ये जो फाइल है ये वाली बेसिकली फाउंट की फ़ाइल है। इसकी दो ही एक्सटेंशन होती हैं ज़्यादातर, TTF या OTF। इसकी भी एक्सटेंशन यही है, इसकी एक्सटेंशन है .TTF ट्रू टाइप फाउंट फाइल .TTF। तो अब हमें इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में, उसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जाएंगे। इस वेबसाइट को मैं बंद कर लेता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो मेरी हेडिंग्स हैं इनके ऊपर ये वाला स्टाइल अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर लिखते हैं एट फाउंट फेस, ये जो एट रेट का साइन है ये वाला हमने यहाँ पे दिया, एट फाउंट फेस फाउंट फैमिली। आगे तो हम फाउंट फैमिली लिख के इसका हम नाम बताते थे कि कौन सी फैमिली में हमने इसको एग्जिस्ट करवाना है, लेकिन अब हम ये करेंगे कि फाउंट फैमिली हम ये दे रहे हैं कि इसका नाम क्या होगा इस हमारे फाउंट का। हम न्यू फाउंट जनरेट कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि हमारे फाउंट का नाम हो फाउंट वन, और आगे हमें देना होता है इसकी URL सोर्स। अगर URL में हम देंगे कि क्या है ये, इसका नेम देंगे सबसे पहले या जो इसका पाथ होगा कंट्रोल सी, इसका नाम आ गया और .TTF कंट्रोल एस। नेक्स्ट हम इसमें इस तरह करेंगे कि H1 जो हेडिंग है हम चाहते हैं कि जितनी भी H1 हेडिंग्स हैं उनके ऊपर ये वाला फाउंट अप्लाई हो जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई फाउंट फैमिली, अब हम यहाँ पे वरदाना वगैरह नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फाउंट वन कंट्रोल एस, यहाँ पे रिफ्रेश। तो ये हमारी जितनी भी हेडिंग्स हैं ये सारी की सारी इस फाउंट में आ चुकी हैं। इस तरह हम कोई और फाउंट अब डाउनलोड कर लेते हैं dafont.com से, मैं ये वाला कर लेता हूँ सब नोज
ये भी डाउनलोड हो चुका है, शो इन फोल्डर। इसको भी मैं डेस्कटॉप पे पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे कंट्रोल भी, और इसको मैं एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेता हूँ, इसको भी मैं कर लेता हूँ डिलीट। ये हमारी आगे फाइल सब नोज कंट्रोल सी। यहाँ पर मैं एक हेडिंग को कर देता हूँ H2 हेडिंग कर देता हूँ, इस पे मैं अब कहता हूँ कि जो एक और मैं इधर लिखूँगा एट फाउंड फेस फाउंड फैमिली। अब इसका नाम क्या हम देंगे, फाउंड टू दे देते हैं हम इसका नाम, और आगे हम देंगे इसका सोर्स यूआरएल हम इसकी दे देंगे, हम इसका नाम कॉपी करेंगे यहाँ से सब नोज डेमो कंट्रोल सी, और इसकी हम टाइप चेक करेंगे टाइप क्या है, यह है डॉट ओटीएफ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि कंट्रोल वी और डॉट ओटीएफ कंट्रोल एस, और नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख देंगे कि जितनी भी H2 हेडिंग्स हैं उनकी जो फाउंड फैमिली है वो हो जाए फाउंड टू कंट्रोल एस। यहाँ पे आगे जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये जो हमारी H2 हेडिंग थी ये इस फाउंड की हो चुकी है। तो इसी तरह हम किसी भी हेडिंग का जो है या तो फिर किसी भी पैराग्राफ का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। मैं ये वाला भी अगर फॉर्म डाउनलोड कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, कि मैंने फॉर्म डाउनलोड कर लिया, और इसको भी उस तरह ही हमने करेंगे, इसको भी हम यहाँ पे रख लेंगे जहाँ पे हम रखना चाहते हैं इसको, वहाँ पर हम इसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ से अब 3-4 फाइल्स बाहर आई हैं, हमने बस ये देखना है ये लाइसेंस वाली फाइल है ये भी हमें नहीं चाहिए। ये वाली दो फाइल हैं, इनमें से जो दो फाउंड्स की फाइल इन्होंने दी हैं हमें, जो सी मर्जी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं ऊपर वाली डिलीट कर देता हूँ। ये फाउंड हमने यूज़ करना है कंट्रोल सी, इसका नाम को हमने कॉपी किया, यहाँ पे आके हमने ऐड फाउंड फेस फाउंड फैमिली, मैं इसका कर देता हूँ फाउंड 3 नाम दे देता हूँ इसको। सोर्स आ गई URL, इसकी आ गई इसका नाम चूँकि मैंने यहाँ पे कॉपी कर रखा है तो इसमें मैं पेस्ट कर दूँगा, और हमने इसकी टाइप अब चेक करनी है तो हम यहाँ पे जाएंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ में, टाइप है इसकी डॉट TTF, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैं डॉट TTF कंट्रोल एस, और फिर मैं यहाँ पे इसकी मैं हेडिंग कर देता हूँ H3। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जितने भी H3 हैं हेडिंग्स फॉन्ट फैमिली उनमें अप्लाई हो जाए फॉर्म 3 वाली कंट्रोल एस। यहाँ पे आके जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इसकी भी ये फॉन्ट साइज़ चेंज हो चुका है फॉर्म फैमिली। तो आज हमने यही पढ़ा कि मतलब किस तरह से हम इसमें किसी भी हेडिंग का या पैराग्राफ का फॉन्ट को एक्सटर्नल फॉन्ट को यूज़ करके उसका चेंज कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।